नमस्कार, आपका स्वागत है संगीता किचन ब्लॉग में। आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन के गट्टे की सब्जी। बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल चिकन की तरह इसका स्वाद आता है। जो नॉनवेज खाते हैं, मीट और चिकन खाते हैं, उनको भी बहुत पसंद आएगा। जो आप वेजिटेरियन हैं उनको भी बहुत पसंद आएगा। तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं, गट्टे की सब्जी किस तरह से बनाना है और बनाने के लिए क्या क्या लेना है। गट्टे की सब्जी बनाने के लिए ये देखिए, यहाँ पर लिया है एक कटोरी से थोड़ा कम है बेसन। आप कोई भी चीज़ें नाप सकते हैं, आप नाप में कोई कप रख सकते हैं या कटोरी मेजरमेंट के लिए रख सकते हैं। और इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, बिल्कुल 2 चुटकी हल्दी है ये, आधी छोटी चम्मच है काली मिर्च, छोटी चम्मच है काली मिर्च का पाउडर है ये, बिल्कुल जितना तीखा आप खाते हैं उसके अनुसार लाल मिर्च डाल दीजिए। यहाँ पे कम लोग तीखा खाते हैं तो थोड़ा सा कम डाल रहे हैं। 1/4 चम्मच डाला है लाल मिर्च का पाउडर। ये देखिए, चुटकी भर खाने वाला सोडा डाल रहे हैं, इसे बहुत ही अच्छा फूलता है जो हम बनाएंगे गट्टे की सब्जी। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके डो बना लेंगे बेसन का। ये देखिए, इस तरह का डो बना लिया है, इस तरह का। मैं बता रही हूं आपको, मेरी भाभी हैं वही बना रही हैं। यदि डो बनाने में चिपकने लगे तो हल्का सा 2-4 बूंद तेल हाथ में लगा करके और अच्छे से चिकना कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से रोल कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से रोल कर लिया है, इस तरह से ये प्लेट में। अब ये देखिए, 2 रोल बना लिया है उसके 2 टुकड़े करके। अब इसके बाद बिल्कुल पानी देखिए, यहाँ पर चूल्हे पे रखा हुआ गैस ऑन करके, तो ये पानी में बॉयल होने लग गया। यदि पानी बॉयल होता रहेगा उसी समय इसे डालेंगे पानी के अंदर। यदि पहले पानी में डालेंगे तो ये घुल सकता है, इसलिए पानी बॉयल होता रहे तभी आप डालिएगा। देखिए, इस तरह से डाल दीजिए। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे 2 मिनट के लिए बिल्कुल। और ये जब बॉयल होकर के अच्छे से पकने के बाद ऊपर आ जाएगा पानी में, ऊपर तैरने लग जाएगा, तो समझ लीजिए कि ये तैयार हो गया है, अच्छे से पक गए हैं ये दोनों रोल। ये देखिए, ढक्कन हटाने के बाद 2 मिनट हो गए हैं। अब देखिए, ऊपर की तरफ तैरने लग गए हैं। ये देखिए रोल ऊपर की तरफ दोनों रोल तैरने लग गए हैं, इसके मतलब है कि ये पक गए हैं। गैस को कर देंगे बंद और इस रोल को पानी से बाहर निकाल लेंगे। बिल्कुल तैयार हो गए हैं ये रोल। ये रोल जब तक ठंडे हो रहे हैं तब तक हम कुछ मसाले बना लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने लिया है 2 टमाटर और 3 प्याज। पर देखिए, प्याज को ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं तो अच्छे से बारीक बारीक हो जाएगा, इसकी ग्रेवी अच्छी बनेगी। ये देखिए, यहाँ पर टमाटर को भी ग्रेट कर लिया है तो इसकी ग्रेवी बनाने में बहुत अच्छा रहेगा। अब ये रोल जो है थोड़े ठंडे हो गए हैं, हाथ से पकड़ने लायक हो गए हैं, तो इसे काट लेंगे। देखिए, इस तरह से काटेंगे, बहुत ही ज़्यादा मोटा नहीं है और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं है, तो इसी तरह से काट लेंगे। 1/2 इंच से थोड़ा सा कम है इसकी मोटाई, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर मान लीजिए। ये देखिए, सभी को कट कर लिया है इस तरह से। देखिए, इस तरह से सभी को कट कर लिया है। और यहाँ पर कढ़ाई रखा है, इसमें डाला है सरसों के तेल, इसमें इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, डाल करके देख लेते हैं, गर्म हो गया है तेल अच्छी तरह से। पहले अच्छे से गर्म कर लिया था, उसके बाद उसको थोड़ा सा कम गर्म किया है सिम करके, ताकि अच्छे से जले नहीं और तेल का जो झांस होता है वो निकल जाए। और नहीं तो यदि आप कच्चे तेल में डाल देंगे तो उसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। इस तरह से जितना कढ़ाई में आएगा तेल के अंदर उतना डाल देंगे। बिल्कुल सुनहरे कलर का इसको करना है, थोड़ा सा इसको एक तरफ से हो जाएगा उसे पलट देंगे।
अब इसे पलट देंगे। बिल्कुल एक मिनट में ये हो जाते हैं, बहुत मोटे मोटे नहीं है इसलिए एक मिनट में पलटने लायक हो जाते हैं ये। गैस के फ्लेम को मीडियम पे रखा हुआ है, देखिए बिल्कुल हल्का सा सुनहरा हुआ है, इसे हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ये नहीं करनी है ब्राउन कलर का। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, इसका तेल अच्छे से कढ़ाई में ही ये कर देंगे ताकि कढ़ाई में ही चला जाए जो एक्स्ट्रा ऑयल हो। बाकी के जो बचे हुए हैं जैसे पहले उसको फ्राई किया था उसी तरह से इसे भी फ्राई करके निकाल लेंगे। ये देखिए दूसरा वाला भी तैयार हो गया है, इसे भी निकाल लेंगे। ये देखिए तेल जो था उसी में से मैंने निकाल लिया, थोड़ा सा तेल कम कर दिया है और इसी तेल में डाल देंगे फोरन, जिसको पांच फोरन बोलते हैं, पांच तरह के फोरन इसमें मिक्स होते हैं। इस पांच फोरन में मिक्स होते हैं जीरा, अजवाइन, मेथी और राई, और एक और होता है सौंफ। अब यहाँ पे लाल मिर्च तोड़ करके डाल देंगे। ये देखिए हमारे फोरन जो है अच्छे से तड़क गए हैं। अब इसमें जो ग्रेट करके रखा था प्याज उसे डाल देंगे, ऐसे अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज डाला है तो प्याज में बहुत ज़्यादा जूस होता है, तो अभी फ्लेम को तेज कर दिया है क्योंकि उसका जूस सूख जाएगा जल्दी से और अच्छे से पक जाएगा। अब यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच डाल देंगे, ये भी साथ में भी भून जाएंगे, अच्छे से पक जाएंगे। ये देखिए थोड़े से भून गए हैं, तो मैंने फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दिया है, मीडियम कर दिया है, क्योंकि देखिए इसके जूस थोड़े से सूख गए हैं। ये देखिए प्याज अच्छे से थोड़े से गोल्डन हो गए हैं, देखिए गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब इसमें टमाटर डाल देंगे, ग्रेट किया हुआ टमाटर है ये, और इसे भी प्याज के साथ अच्छे से पका लेंगे। अब जब टमाटर गया है तो इसी समय स्वादानुसार नमक भी डाल देंगे। ये नमक डालने से बहुत ही जल्दी अच्छे से पक जाते हैं ये टमाटर। ये टमाटर ग्रेट किए हुए हैं तो और भी जल्दी इसे सॉफ्ट हो जाएंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। ये देखिए मसाले भून गए हैं, इसमें से तेल थोड़े थोड़े रिलीज हो रहे हैं, और एक छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर एक छोटी चम्मच डालेंगे, आधी छोटी चम्मच था लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, जीरा पाउडर आधी छोटी चम्मच, धनिया पाउडर एक छोटी चम्मच, और सभी को साथ में भून लेंगे। आधी छोटी चम्मच सब्जी मसाला डाल देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से भून गया है, अभी थोड़ा सा और भून लेंगे। इसमें 2 चम्मच पानी डाल करके भून लेंगे ताकि मसाले अच्छे से भूनते हैं तो अच्छा स्वाद आता है। इस मसाले में पानी वही वाली डाले थे जो जिसमें हमने बॉयल किया था बेसन के गट्टे को, तो वही वाली पानी डाला था, उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसी पानी को हम ग्रेवी में भी यूज करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल करके इसे पकाने से बहुत ही अच्छे से मसाले भून जाते हैं, मसाले अच्छे से भूनते हैं तो टेस्ट भी सब्जी का बहुत ही अच्छा आता है, तो मसाले अच्छे से भूनना बहुत ही ज़रूरी है। मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब इसमें पानी डाल देंगे, तो पानी हमने वही वाला लिया है देखिए जिसमें हमने बॉयल किया था गट्टे को। अब आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उसी हिसाब से पानी डाल दिया है, ये देखिए अब इसमें बॉयल आने देंगे। ये पानी गर्म था अभी तक, इसमें जब पकता हुआ रहता है तो उसमें ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, तो हमने बहुत बिल्कुल बॉयल नहीं है, बॉयल करके ठंडा किया हुआ था, लेकिन बिल्कुल ठंडा नहीं है, अभी गर्म पानी है ये, तो इस वही वाली पानी डाला है। यदि ठंडा पानी डालते हैं तो इसका टेस्ट थोड़ा सा कम आएगा। ये देखिए ग्रेवी में बॉयल आ गया है, और देखिए कलर कितना अच्छा सा आया है। इसी समय जो हमने फ्राई किया था उसे डाल देंगे।
अब गैस को मीडियम कर दिया है बिल्कुल, और इस समय इसे 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, अब इसका ढक्कन हटा लिया है मैंने। अब आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। यदि आपके पास कसूरी मेथी है तो आप उसे रब करके क्रश करके डाल दीजिएगा। मैं आई हुई इस समय पटना अपने मायके आई हुई, तो यहाँ पर अभी नहीं है तो मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। और इस समय डाल देंगे हरी धनिया। अब इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स। ये देखिए हमारी सब्जी तैयार हो गई है। अब यहाँ पर गैस को कर देंगे बंद। मैं यहाँ पटना आ गई हूँ तो यहाँ पर स्टैंड लाई नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे को थोड़ी सी वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है। तो मैं अब कर रही हूँ प्लेटिंग। बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है, बहुत ही बिल्कुल चिकन वाला जो टेस्ट होता है बिल्कुल उसी टेस्ट में सब्जी बनी है। वो आप एक बार बना करके ज़रूर देखिएगा, आप जब खाएंगे टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा इस तरह से। ये देखिए मैंने प्लेटिंग कर दिया है। अब इस पे डाल देंगे हरी धनिया थोड़ा सा फ्रेशनेस के लिए। तो हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। और यदि आपको हमारी गट्टे की सब्जी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।